दोस्तों नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। आइए जानें होली त्योहार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। 21 मार्च 2021 से लगने वाला होला अष्टक नहीं होंगे कोई शुभ कार्य। 21 मार्च 2021 से होला अष्टक लगने वाला है जो 28 मार्च 2021 तक रहेगा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर होलिका दहन तक की अवधि को शास्त्रों में होला अष्टक कहा गया है। होला अष्टक शब्दों को दो शब्दों का संगम है, होली तथा आठ, अर्थात आठ दिनों का पर्व। यह अवधि इस साल 21 मार्च से 28 मार्च तक अर्थात होलिका दहन तक है। इन दिनों गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, विवाह संबंधी वार्तालाप, सगाई, विवाह, किसी नए कार्य, न्यू आदि रखना, नया व्यवसाय आरंभ या किसी भी मांगलिक कार्य आदि का आरंभ शुभ नहीं माना जाता। इस बीच 16 संस्कार भी नहीं किए जाते। इसके पीछे ज्योतिषीय एवं पौराणिक दोनों ही कारण माने जाते हैं। कहा जाता है कि कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी थी, इससे रुष्ट होकर उन्होंने प्रेम के देवता को फाल्गुन के अष्टमी तिथि के दिन ही भस्म कर दिया था, जिसके बाद प्रकृति में शोक की लहर दौड़ गई थी। कामदेव की मृत्यु के बाद उसी दौरान सभी ग्रहों का रूप उग्र हो गया था। इस कारण होला अष्टक के दौरान सभी ग्रहों का रूप उग्र होता है। ऐसे में इस दौरान कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। वहीं एक और भी दूसरी पौराणिक कथा के मुताबिक कहा जाता है कि राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को भी विष्णु की भक्ति से दूर करने के लिए कई तरह की यातनाएं दी थी। भक्त प्रहलाद को फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक कई तरह की यातनाएं दी गई। उनको मारने का भी कई बार प्रयास किया गया, मगर श्री विष्णु ने हर बार उनके प्राणों को बचा लिया। वहीं आठवें दिन यानी कि फाल्गुन पूर्णिमा की रात हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को अपने बेटे के साथ आग में बैठाने की योजना बनाई, जिससे वह जलकर मर जाए और विष्णु की भक्ति से मुक्ति मिले। उसके राज में कोई भगवान विष्णु का नाम न ले। वहीं इस योजना के मुताबिक होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। होलिका ने अपने दिव्य वस्त्र पहन रखे थे, जिससे वह आग से बच सकी। मगर विष्णु की ऐसी कृपा हुई कि प्रहलाद बच गए और होलिका जलकर मर गई। इस वजह से हर साल होली से पहले रात को होलिका दहन होती है। होलिका दहन से पहले के आठ दिनों को होला अष्टक कहा जाता है और इसी के लिए इसे अशुभ माना जाता है। होलिका पर्व इस वर्ष 28 और 29 मार्च को है। 28 मार्च को होलिका दहन और 29 मार्च को रंग होली खेली जाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है, होली खूब अच्छे से मनाएं, क्योंकि होली भाईचारे का त्योहार है। लेकिन कोरोना को ध्यान में रखें, मास्क अवश्य लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजिंग करें।